है उसमें अन्य जातियों को डाला गया है, इससे अति पिछड़ा समाज को भारी नुकसान हकमारी हुई है और ये हकमारी कार्यक्रम का आपका उद्देश्य क्या है सर? आज हम लोग निदान यात्रा के तहत बिहार के प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखंड में जा रहे हैं और उसी के तहत आज अरवल जिला के कुर्था प्रखंड में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस कुर्था प्रखंड में आज संध्या का बेला हो चुका है। आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग उम्मीद हैं। ये कौन है? ये ज़्यादातर अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और ये अति पिछड़ा समाज के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है और सरकार जो नाइंसाफ़ी कर रही है उसके लिए आज हम लोग सभी को ये कहने के लिए कि आप घबराना नहीं, अति पिछड़ा समाज के लिए हम लोग आने वाले समय में आपके लिए बहुत संघर्ष करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग ऐसा अफसोस लगता है कि शहर की व्यवस्था इतनी अच्छी है और शहर में अच्छे स्कूल हैं, अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन आज गांव की स्थिति क्यों है? आज गांव अनाज उपजा के शहर वालों को खिलाता है लेकिन शहर में ही सब सुविधाएं हैं, गांव में नहीं है। दूसरी बात कि आज अति पिछड़ा समाज का जो 18% आरक्षण है उसमें कई जातियों को डाला गया है और डालने के बाद उसका आरक्षण सीमा नहीं बढ़ाया गया है। इसके लिए भी हम लोग जहानाबाद में 30 अप्रैल को एक महासभा करने वाले हैं जिसमें कि टाउन हॉल में, और उसमें हम लोगों को कहने भी आए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान, ये नारा देते हुए हम लोग आम जनता पार्टी निदान यात्रा में पूरे बिहार के हर प्रखंड में भ्रमण कर रही है। अति पिछड़ा में जितने जाते हैं क्या सबको लेकर आप चल रहे हैं क्या? अति पिछड़ा में और जो भी आरक्षण की बात है, यस आरक्षण की बात है, उसका कोटा है, उसमें अन्य जातियों को डाला गया है, इससे अति पिछड़ा समाज को भारी नुकसान हकमारी हुई है और ये हकमारी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के शासनकाल में हुआ है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और इसी के लिए आज हर जगह जाके गांव में हम लोग कह रहे हैं कि आपको संगठित हो करके और आम जनता पार्टी का हाथ मजबूत कीजिए और अपने अधिकार को आप सरकार से लीजिए। आप अपना नाम बताइए। विद्यापति चंद्रवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता पार्टी राष्ट्रीय। ठीक, धन्यवाद सर, थैंक यू। ये अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हमारे बीच और हमारे रविवार साहब जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उमेश चंद्रवंशी जी जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं और आपका नाम राजकुमार चंद्रवंशी जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच आए हैं। हमको बहुत खुशी की बात है और हम सब जितने भी अति पिछड़ा चंद्रवंशी समाज जो भी हैं इसमें अति पिछड़ा जात में बहुत से जात आते हैं, कड़बड़ी हो गए हैं, कुम्हार हो गए हैं, ठाकुर जी हो गए हैं, ये सब जितने हम जो भी यहाँ पे आए हुए हैं उन सबसे यही आग्रह करेंगे कि हम उनका हाथ को मजबूत करें। विद्यापति चंद्रवंशी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय नाम है इस पार्टी का, और हम यही आग्रह करेंगे कि हम इनके बैनर तले सब लोग आए और अपनी ताकत को दिखाएं, तब जाकर के हमें राजनीति में एक भागीदारी मिलेगी और हमारा वजन बढ़ेगा, तभी हमें सब लोग वेट देंगे। तो हम यही आग्रह करेंगे और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की सदस्यता लें और इनको बैनर तले और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके हाथ को मजबूत करें। दूसरा मेरा निदान यात्रा लखीसराय में हुआ और लखीसराय में दर्जनों हमने कार्यक्रम किए। तीसरा मेरा निदान यात्रा आपका जहानाबाद में हुआ और चौथा आपका आज 5 जगह निदान यात्रा का शुभारंभ किया गया है और हजारों हजार के भीड़ में 5वां अंतिम निदान यात्रा आपके नजदीक हम लोग पहुंचे हैं। आखिर विद्यापति चंद्रवंशी जी को क्यों निदान यात्रा की जरूरत पड़ी, एक बात बता देना चाहता है मित्रों। और यहाँ पर बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों के बीच में मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। समय के कारण चाहकर भी हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो मैं इतना ही कहकर अपने बातों के चलिए ठीक है। अब आप सामने आए, उपेंद्र कुशवाहा आए, जीतन राम मांझी आए, पप्पू यादव आए, आपका राजद नेता लालू प्रसाद आए, जदयू के नेता आपका
नीतीश कुमार आए, तमाम नेताओं के बीच केवल आइए सर।